हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग एंड ट्रिक। आज मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को केवाईबी कॉर्नमेट के बारे में। ये केवाईबी कॉर्नमेट का प्लांट है। ये मॉडल नंबर है CRP 600, यानी ये 1 MQ का प्लांट है। और ये मिक्सर है इसका ट्विंग शाफ्ट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पैनल को कैसा ऑपरेट करते हैं मैनुअली। तो आज ये समझते हैं इस वीडियो में। ये पैनल है KYB कॉर्नमेट का। यहाँ से पहले आपको MCCB को ऑन करना है। ये स्विच मेन स्विच है, यहाँ से ऑन करना है। ये ऑन हो गया। अगर दोस्तों अगर ये ऑफ रहेगा, जैसे मान लीजिए आप इमरजेंसी मार दिए, ये चलते चलते पावर चला गया है प्लांट, तो ये नीचे हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे आप, डायरेक्ट ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, इसको ऑफ करेंगे, फिर दोबारा ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तो ये MCB ऑन हो जाएगा। चलिए पैनल की तरफ। ये पैनल ऑन कर लिया MCB। अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ऑन लिखा है, यहाँ पे कंट्रोल ऑन का बटन दबाएंगे। यहाँ पे 3 फेज का बता रहा है, ये 3 फेज पूरा आ रहा है। यहाँ मिक्सर में जब मिक्सर चालू होगा तो ये एम्पियर बताएगा कि कितना एम्पियर आपका जा रहा है। ये ऑन करें, लाइट ऑन हो गई। ये PLC का दोस्तों, जब प्लांट ऑटो में चलेगा तब यहाँ पे ऑन रहना चाहिए। अगर ये प्लांट जैसा ये PLC है अगर ऑफ बता रहा है ये लाइट, तो आपका प्लांट ऑटो में नहीं चलेगा। इसको लाइट ऑन रहेगा तभी ये प्लांट ऑटो में चलेगा। अभी मैं बताऊँगा आगे आप लोगों को ये एग्रीगेट क्या है। देखिए देखिए मैनुअल अभी है, ये प्लांट अभी पुश कर रहा हूँ तो लाइट ऑन हो रही है। ये सारे एग्रीगेट के हैं। यहाँ से आपका देखिए मैनुअल है, अभी लाइट जल रहा है। अगर प्लांट ऑटो में रखना है तो यहाँ से पुश करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। ये मैनुअल वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। देखिए ये लाइट ऑन हो गई, अभी ये ऑटो में है। अभी देखिए ऑटो में मैं किया हूँ, ये PLC ऑटो अभी नहीं हुआ है, लाइट ऑन नहीं हुआ है, बताता हूँ मैं अभी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें कुछ टायर है, जब इसको ज़ीरो करेंगे फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्सर ऑन नहीं है। ये प्लांट में मिक्सर को मैन्युअली ऑन करना है। दूसरे प्लांट में क्या है, ये सॉफ्टवेयर से जब स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर से मिक्सर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर इसमें क्या है, आपको मैन्युअली यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, तभी ऑटो वाला ये PLC ऑटो है तो ये लाइट ऑन होगी। देखिए यहाँ तो पहली बात सब जो है ये मीटर में वाटर एडमिक्चर में सब ज़ीरो रहना चाहिए, ठीक है, तभी वो चलेगा ऑटो में। देखिए जब तक ये मिक्सर ऑन नहीं करेंगे तो ऑटो में नहीं चल पाएगा प्लांट। जो परमिशन आपसे मांगेगा कि हाँ चालू करना है, अगर जैसे आप पूरा सब रेडी कर दिए, मिक्सर ऑफ है, तो वो आपसे परमिशन मांगेगा। जब ऑन करेंगे तब प्लांट ऑटो में चालू हो जाएगा। अभी देखिए लाइट ऑन हो गई, इसकी भी लाइट ऑन हो गई, PLC ऑटो को भी लाइट ऑन हो गई। अभी हम चालू कर सकते हैं ऑटो में, पर अभी मैं मैनुअली बता रहा हूँ आपको पैनल के बारे में। ये हो गया मैनुअल। यहाँ पे देखिए ये लाइट बंद हो गई, जैसे मैनुअल करें लाइट बंद हो गई, PLC की लाइट बंद हो गई। यानी ये क्या है, PLC अभी रीड नहीं कर रहा है कि ऑटो में है। अभी देखिए मोटर ऑन है, अभी ये स्टॉप कर देंगे। अभी आप लोगों को समझाने के लिए अभी मैं बंद कर दिया हूँ मिक्सर को। अभी इधर आ जाइए, ये सारे एग्रीगेट के हैं 10, 20 क्रेसेंट, यहाँ से आप मैनुअली भी चार्ज कर सकते हैं। ये ऑटो हो गया, ठीक है। ये एग्रीगेट वाइब्रेटर का है। यहाँ पे जब एग्रीगेट को ओपन करेंगे आप गेट, तो यहाँ से आप क्रेसेंट में रहता है, तो यहाँ से आप जब दबाएंगे तो वाइब्रेट काम करेगा। और ये एग्रीगेट का वाइब्रेटर का ट्रिप है, अगर वाइब्रेटर ट्रिप हो गया है मोटर तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। ये सीमेंट का है, ये लेफ्ट साइड दोस्तों, इधर पैनल के लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा जो है चार्जिंग के बताएगा, लेकिन यहाँ पे से सीमेंट चार्ज कर सकते हैं। सीमेंट है, फ्लायर्स है, जितना भी रहेगा, जितना साइलो रहेगा उतना बटन भी फंक्शन वो काम करेगा। सीमेंट 1, सीमेंट 2, सीमेंट 3 है, बट मेरे प्लांट में 3 साइलो है तो 3 बटन काम करेगा।
ये सीमेंट का वाइब्रेटर है, जब आप सीमेंट गिराएंगे मिक्सर में तो यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो वाइब्रेट करेगा सीमेंट का हॉपर यानी वेइंग हॉपर। ये एडमिक्सर क्या है, डोजिंग का ट्रिप, अगर मोटर ट्रिप हुआ है तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, ये डोजिंग है यहाँ से चार्ज हो जाएगी। पानी क्या है, यहाँ पे प्रेस करेंगे पानी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे सीमेंट 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये सब, यहाँ पे अगर सीमेंट का मोटर साइलो का मोटर अगर ट्रिप होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन बताया गया है कि लाइट जल रही है, आपका मोटर ट्रिप हो गया है। ये देखिए ये वाइब्रेटर का है सीमेंट का, ये लाइट ट्रिप का बता रहा है, लाइट ऑन हो जाएगी अगर ट्रिप हुआ तो वाइब्रेटर का सीमेंट का। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लेफ्ट साइड का बता रहा हूँ पैनल का, देख सकते हैं आप ये लेफ्ट साइड का है, अभी ये लेफ्ट साइड का पूरा हो गया। अभी आइए राइट साइड की तरफ, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ये प्लांट में क्या है, ये मीटर में यहाँ पे अप लिखा हुआ है, अगर कभी जैसा मान लीजिए एम्प्टी वैल्यू से कुछ ज़्यादा है यहाँ पे मटेरियल तो यहाँ पे जब प्रेस करेंगे अप में तो ये ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा, और फिर क्या है वो आपका एग्रीगेट का पूरा टायर यानी पूरा टायर हो जाएगा, ज़ीरो है तो अभी ज़ीरो रहने देंगे। अगर ज़्यादा दोस्तों मटेरियल है तब आपको ज़ीरो नहीं करना है, मटेरियल को पूरा डिस्चार्ज करना है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं करना है, अगर थोड़ा बहुत है तो यहाँ पे प्रेस कर देंगे ज़ीरो हो जाएगा, टायर हो जाएगा। अभी ये क्या है, इसमें दोस्तों कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट से मिक्सर में माल जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है इंक्लाइंड कन्वेयर ऑन, यहाँ से ये ऑन करना पड़ेगा, ये करेंगे तो इंक्लाइंड वाला बेल्ट जो नीचे से ऊपर गया है वो चालू हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। ये कौन सा है, वेइंग वाला है यानी जहाँ पे जो वेट करता है, ये फ्लैट बेल्ट है यहाँ पे वेट करता है, ये ग्रीन करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अभी देखो अगर आप मिक्सर चालू करें दोस्तों तो ये पहले ऑन नहीं करना है, ये वाला फ्लैट वाला, पहले आपको इंक्लाइंड वाला करना है जो नीचे से ऊपर गया है, और फिर बंद करना है तब आपको ये वाला पहला बंद करना है फ्लैट वाला, और डायरेक्ट ये वाला बंद नहीं करना है, पहले ये बंद करना है फिर जो है इसको बंद करना है। ठीक है दोस्तों, ये सीमेंट डिस्चार्जिंग का है, ये सीमेंट का वेइंग हॉपर का गेट का बता रहा है बटरफ्लाई का, जब ये गेट बंद रहेगा तो ये लाइट ऑन रहेगी। अभी मैं ऑन करता हूँ, देखिए अभी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, सीमेंट डिस्चार्ज कर रहा हूँ, देखिए ऐसा सैंपल बता रहा हूँ, ये लाइट बंद होगी, जैसे ही ऑन हो रही ये बंद हो जा रहा है। ये वाटर डिस्चार्जिंग का है, और ये यहाँ पे लिखा है ये हूटर का है, जो हूटर का है जैसे मान लीजिए इसमें मारना हो आपको, हॉर्न मारना हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ से पुश करेंगे तो हॉर्न बजेगा यानी हूटर बजेगा। ये एडमिक्सर का डिस्चार्ज है, ये पावर क्या है बटन, पावर ऑन है, दो बटन है इसका, ये मिक्सर गेट का है, ओपन कर रहा हूँ मैं, देखिए ये ओपन हो गया, ये हाइड्रोलिक का बता रहा है कि हाँ हाइड्रोलिक मोटर चल रहा है, जैसे ही बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ट्रिप हो गया तो इसको स्टॉप कर दें। दोस्तों ये दो बटन है तो इसको ध्यान रखना है, जैसे ये है ना अनपॉज तो इसको अनपॉज रखना है, इसको पॉज में नहीं रखना है, अगर पॉज में रखेंगे जैसे ऑटो में चल रहा है पॉज कर देंगे तो प्लांट पॉज हो जाएगा, और तुरंत ना गेट और जैसा कोई भी खुला रहेगा वो बंद हो जाएगा। जैसे अभी गेट खुला हुआ है मिक्सर का, अब ये उसकी तरफ कर देंगे पॉज की तरफ कर देंगे तो आपका मिक्सर गेट बंद हो जाएगा, तो इस तरफ नहीं करना है, ये हो गया पॉज, पॉज की तरफ नहीं करना है, अनपॉज की तरफ करना है। अभी तो मैनुअली काम कर रहा है बट ऑटो में करेंगे, जब ऑटो में प्लांट चलेगा अगर पॉज की तरफ कर देंगे तो सारा चीज़ पॉज हो जाएगा, तो ये दो बटन का ख्याल रखना है आपको, ऐसे ही रहना है जैसे है अभी अनपॉज की तरफ ऐसे ही रखना है। ये अभी मिक्सर का बता रहा है ये क्लोज है मिक्सर गेट का, ये बता रहा है वाटर 2 वाटर 1, ठीक है ये लाइट ऑन रहेगी, अगर कुछ मोटर वोटर ट्रिप हुआ तो यहाँ पे इंडिकेशन बताया गया ये लाइट बंद हो जाएगी। और ये आ जाइए ये टॉलरेंस का है, यहाँ से भी पैनल से भी है, जैसा प्लांट चल रहा है आप इधर पैनल से भी टॉलरेंस को रिसेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर से भी और यहाँ से भी कर सकते हो, जब टॉलरेंस आएगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी। फाइन, अभी दोस्तों और एक चीज़ और,
अगर ये जैसे इमरजेंसी है, अगर अंदर की तरफ कुछ है यानी दबा हुआ है, आप पैनल ऑन करना चाहेंगे तो ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिए कि अगर पैनल ऑन कर यानी अपनी तरफ रहना चाहिए, प्रेस नहीं रहना चाहिए। अगर प्रेस रहेगा तो ये स्विच ऑन नहीं होगा, MCCB का मेन स्विच वो ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं प्लांट की ट्रेनिंग भी देता हूँ। जो किसी बंदे को सीखना हो, प्लांट की ट्रेनिंग लेना हो, और या प्लांट में हेल्परी कोई कर रहा है, प्लांट सीखना है, मैं प्लांट की ट्रेनिंग भी देता हूँ। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो फिर मैं वहाँ से जो है बात करूँगा उससे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय।